कणक का झाड़ घट निकलन कारण किसान लगातार परेशान ने। अज मंदभागियां खबर आई ने, दो किसानों वालों खुदकुशी कर ली गई है। जी हाँ, दो किसानों वालों कणक का झाड़ घट निकलन कारण खुदकुशी की गई है। दस दिए कि एक किसान ने फाहा ला लिया, एक किसान ने जहरीली चीज़ निकल ली। दस दिए कि बठिंडा के पिंड पाजक के किसान ने जहर निकलिया, जबकि मानसा के पिंड भादड़ा के किसान ने फाहा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रमनदीप सिंह और मक्खन सिंह वजों इन्हों मृतक किसानों की पछाण हुई है। बठिंडा तो सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस संबंधी डूंघे दुख का प्रगटावा करदिआं सरकार नूं किसान भाईचारे दीआं समस्यावां सुणन दी अते इन्हां पीड़ित परिवारां नूं मुआवजा जारी करन दी मांग कीती। दो तस्वीरां बठिंडा अते मानसा च सत्थर विच गए, दो किसानां वल्लों खुदकुशी कर ली गई है। मेरा भरा सीगा मेथों वड्डा रमनदीप सिंह, किन्नी उमर सी? उमर 38 साल जी। तो कणक वढ़न के लिआंदी सीगी, कणक का झाड़ होया वाला थोड़ा ठेके दे बाण सीगा, उहदा उहदी टेंशन लैके ते क्रामक साउंड स्प्रे पी गया। बच्चे बच्चे किहदे गए? एक गुड़गा 7 साल दी है, बेटा 10 साल दा। किन्नी जमीन सी ठेके दी? जमीन साढ़े कोल सीगी 16 किले। किन्नी कोई कणक होई कणक? 30 तों 35 मण होई है। इस संबंधी हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके लिखा कि अफसोस की गल है कि बठिंडा के किसान रमनदीप सिंह ने कणक का झाड़ घट निकलन कारण दिमागी परेशानी के चलद खुदकुशी कर ली। पंजाब सरकार को मृतक के परिवारक मैंबर मुआवजा घोषित करना चाहिए, नाल ही किसानों दीआं समस्यावां सुन के उन्हां दे निपटारे का यतन करना चाहिए। यह ट्वीट किया गया हरसिमरत कौर बादल वालों।